क्या मरने जा रही हो? नहीं, I'm trying to fly, तुमसे मतलब? मतलब तो कुछ नहीं है, वो बस जानना चाहता था कि आप ये सुसाइड कर क्यों रही है? It's my wish, मैं कुछ भी करूँ, what's your problem? No, मुझे कोई problem नहीं है, वो तो बस मैं यूं ही normally पूछ रहा हूँ, अगर news वाले आ गए and अगर मुझसे पूछा कि ये सब तुमने क्यों किया, तो मैं उनको कुछ information दे पाऊँगा, बस इसलिए. Okay, then everyone should know that a guy cheated on me because I was a fool who believed in love which clearly doesn't exist. If you loved the wrong person, that doesn't mean that love doesn't exist. Love does. You just need to do it with the right person. और कहाँ मिलता है right person? चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, लोग हमेशा धोखा ही देते हैं. So, अगर यही वजह है तुम्हारे suicide करने की, then I can help you. तुम मेरी क्या help कर सकते हो? मैं तुम्हें वो right person ढूंढ के दे सकता हूँ, उससे तुम्हें प्यार करना चाहिए. Are you mad or what? Why would I believe you? Because I am professional. मैं कोई एरा गैरा नहीं. See, this is my card. Anti Suicide Private Limited. मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो सुसाइड करना चाहते हैं. इस तरह से हम इस दुनिया में जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो कम कर सकते हैं. वाओ, ऐसे कंपनी के बारे में कभी सुना तो नहीं था मैंने. अब तो सुन लिया ना, अब तो यकीन कर सकते हैं ना. वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आपको कैसे लड़के पसंद है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ गाय यू आर लुकिंग फॉर? लविंग और केयरिंग नेचर का हो, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करे. और क्या चाहिए होता है लड़कियों को? सरकारी नौकरी, रिच गाय? नो, मुझे वो नहीं चाहिए, पैसा है मेरे पास. दैट्स गुड, देन आपका काम हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू कम टुमारो, यहीं पे इसी वक्त पे हम मिलेंगे. एक मिनट, तुम मुझ पे तो लाइन नहीं मार रहे हो? छी, पागल है क्या? ये सब हरकत हम नहीं करते और हमारी कंपनी में ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. देन ओके, लेकिन अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो? तो ये नदी कहाँ जा रही है, जब मन करे आके कूद जाना. ओके, देन बाय. साले, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता ना, पता नहीं कौन सी मत मारी गई थी मुझे जो मैंने तुझे काम पे रख लिया. साली मेरी ही किस्मत फूटी है जो तुम जैसे लवारिस मुझे मिल जाते हैं. चल ठीक कर. अरे कहाँ घुसा पा रहा है तू, कस्टमर आया यहाँ पे. अरे साहिल कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो घर जा रहा हूँ. अरे इधर आ, क्या हुआ तुझे, बुखार तो नहीं है ना? नहीं भाई, थोड़ा मन अच्छा नहीं है. ओ ले 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 ले, ले। मम्मी पापा की याद आ रही है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक काम करते हैं, मैं तेरा बाप बन जाता हूँ या तेरी माँ बन जाएगी. मैं क्यों बनूँ माँ, तू बन. पागल है क्या, मेरी शक्ल देख. अरे भाई रुक. अरे भाई देखा, तेरी वजह से चल गया वो. अब मैंने क्या किया? खुश होना आप लोग ऐसे अकेला छोड़ के मुझे. देख रहे हो कैसे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. अगर आप लोग यहाँ होते तो किसी का हिम्मत होता मुझे अनाथ या लावारिस पुकारने का. अगर ऐसे ही छोड़ना था तो मुझे भी अपने साथ ही लेके जाते, कम से कम ये तो नहीं झेलना पड़ता.
आओ आओ, कहाँ मुँह छुपा के भाग रहे हो? नहीं नहीं, मुँह नहीं छुपा के भाग रहा था। रेंट का पैसा कहाँ है? वो इस महीने की तनख्वाह अभी तक मिली नहीं है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको सबसे पहले ला के दे दूंगा। तुम्हारे तनख्वाह के भरोसे मैं बैठने वाला नहीं, कल के कल मेरा पैसा चाहिए, बात खत्म। यही है वो लड़का जो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार कर सकता है। वो कैसे? अब जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई ना हो जिससे उसे वो प्यार कर सके, परवाह कर सके, सोचो अगर उसकी ज़िंदगी में कोई आ जाए तो उसे कितना प्यार दे सकता है। और अगर आप गलत निकले तो? वो नदी कहाँ भाग रही है, जाके कूद जाना। नाउ गो एंड स्टार्ट योर स्टोरी। आप इंट्रोड्यूस तो करवा दीजिए मुझे। सुसाइड करने के लिए तो अकेली चली गई थी, अब एक इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा तुमसे? फाइन, आई एम गोइंग। हाय हाय, क्वालिटीज क्या क्या है तुमने? क्वालिटी मतलब क्या क्या कर लेते हो? नहीं, इतनी इंग्लिश आती है मुझे? मैं खाना बना लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ और घर की साफ सफाई भी कर लेता हूँ। तुम्हें मेरे घर का नौकर बनना है? नहीं। तो ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ बोलो जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊँ। हाँ, मुझे गाना गाना आता है। ये हुई ना बात, गाना गा के सुनाओ। अभी यहाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ स्टेज प्रिपेयर कर दूँ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मन सिंह, हाँ, तेरा मेरा मिलना, ये दिलों का खिलना। बस बस हो गया, बस इतना ही काफी है। कहीं घूमने चले? हाँ चलो। ठीक है, चलो चलो। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस जमीन से पलक के दरमियाँ, तुम ही हो, तुम ही हो बेसुमार, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हार, तुम ही हो। मम्मी पापा डांटेंगे अगर तुम लड़की को लेके जाओगे घर? नहीं नहीं, उनका ध्यान तो बचपन में ही हो गया था। ओह, I'm so sorry, I didn't mean that. It's okay, आप सॉरी मत कहिए, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। वैसे आप मेरे घर जाना चाहेंगे? अगर तुम ले जाना चाहो तो। पर मैं रेंट पे रहता हूँ और मेरा घर भी छोटा है। दिल में जगह है ना। बस चलो आप। अच्छा, मैं रेंट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लड़की घुमाने के लिए पैसे तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड है। मुझे इंट्रो नहीं चाहिए, मैं रेंट कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं शाम तक आपको लाके दे दूंगा। शाम तक मेरा चाहिए पैसा, वरना शाम से पहले तुमको निकाल दूंगा मैं। एक्सक्यूज मी, कितने हुए आपके? 6,000 रुपया। स्कैनर निकालिए। ये लीजिए, हो गया, अब हम जाए। आपको
क्या जरूरत थी पैसे देने की? मैं वो तो उन्हें दे ही देता। कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में दे देना। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। तुम बनाओगे? हाँ मैं बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ। ठीक है। कैसे बताए तुम्हें और किस तरह ये, कितना तुम्हें हम चाहते साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते रास्ता तुम ही हो रहनुमा तुम ही हो जिसके ख्वाहिश है हमको वो पना तुम ही हो नहीं नहीं आप वहाँ आके क्या करोगी? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। ओके ओके। वैसे आपने अपना नाम तो बताया नहीं। I'm sorry, I'm शब्दपर्णा। सबको तोड़ना? सबको तोड़ना नहीं, शब्दपर्णा। ओह शब्दपर्णा। तुम्हारा? साहिल। साहिल। बड़ा इजी नाम है ना। बाय। देखूं जहां जब उस जगह तुम ही हो ये जहां तुम ही हो वो जहां तुम ही हो इस जमीन से। ठीक से भैया वो मैं कह रहा था कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता, वो रेंट देना था। काम पे तो तू रोज आता नहीं है और तुझे सारे पैसे वक्त पे चाहिए। ठीक है जा मैं देखता हूँ। थैंक यू। तुम? नहीं नहीं पूछो मत, खाते हो तो उतना नहीं चाहिए। बाखुदा तुम ही हो हर जगह तुम ही हो हाँ मैं दे जहाँ जब उस जगह तुम ही हो ये जहाँ तुम ही हो वो जहाँ तुम ही हो इस जमीन से। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने। हाँ वो तो देख ही रहा है। पैसे मैंने रख दिया, ले लेना। थैंक यू भैया। और बाहर जाओ घूमाओ, फ्रेंड आई है, ये सब अच्छा नहीं लगता दुकान में। तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी आज ही पता चला। अरे भाई ये तो अपना साहिल है ना। हाँ वो भी लड़की के साथ। यहाँ से जल्दी चलो। अरे रुक रुक रुक, इतना जल्दी कहाँ भाग रहे? देखो भाई लोग, आज नहीं, आज मुझे जाना है। आज तेरा बर्थडे है? और ये बता ये लड़की कौन है तुझसे मतलब? भाई ये तो लड़की के सामने हीरो बन रहा है। ये लड़की क्या नाम है तेरा? बस अब एक शख्स दिखाना तुम लोग दोनों में से किसी ने भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने मुझे हमेशा इतना कुछ सुनाया और मैंने सुना, पर इससे दूर रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। चलो यहाँ से। थैंक यू। पर किस लिए? मेरे लिए तुमने सबके सामने स्टैंड दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक कभी भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए, नॉट माई मॉम डैड, नॉट इवन माई एक्स और माई ब्रदर्स और सिस्टर्स। आज तक मैंने भी कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया क्योंकि कोई अपना कहने को था ही नहीं।
तो मैं भी तो तुम्हारी कोई अपनी नहीं हूँ। वो तुम मानती होगी, मैं नहीं। वैसे तुम ऐसे ही किसी भी लड़के के पास जाके बात कर लेती हो। मतलब उस दिन मैं बैठा था, तुम अचानक से आके मेरे से बात करने लगी। तुम्हें तो वो एंटी सुसाइड वालों ने भेजा था ना। एंटी सुसाइड, ये क्या होता है? चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो गो। पर होता क्या है? छोड़ो तुम, छोड़ो। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हार जाने के बाद मौत का रास्ता चुन लेते हैं, जस्ट लाइक सुसाइड। बट उन्हें ये नहीं पता होता है, हारना और जीतना तो जिंदगी का बस एक हिस्सा है, ना कि हमारी पूरी जिंदगी का फैसला। तो बेहतर यही है कि अगर हम गिरे तो उठ के चलना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि क्या पता हमारे आने वाला कल हमारे उम्मीद से भी बेहतर हो। सुसाइड doesn't solve your problems.